And the one who comes next is already a star in the south of India. And today, he's come to conquer the North India. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for Shariq Samsuddin? He's an NIT Jamshedpur graduate who is an entrepreneur, trainer, YouTuber, and TEDx speaker. He has a Malayalam YouTube channel with over 1 million plus subscribers and has done comprehensive stock market. But he also has an English YouTube channel with 200k for subscribers. And today, he's come to conquer the crowd in North India. Everybody, can we all put our hands together for Shariq Samsuddin? Over to you. Awesome. Thank you very much. Good evening, Delhi. So, traveling all the way from Kerala after he said kind of conquering the south to the north of India, Delhi. So, would really love to see the Josh of Delhi. Hello, Delhi. Awesome. So today something historic is happening. This is the historic thing which is happening today. मैं पहली बार हिंदी में बात कर रहा हूँ कोई public stage में public forum. अब उसके लिए ताली चाहिए ही चाहिए क्योंकि और फाइनली क्या आपसे मेरे को सुना है मेरा हिंदी कैसा है क्योंकि मदर टंग हिंदी है नहीं मेरा पढ़ाई हुआ था अच्छा कॉलेज हुआ था एनआईटी जमशेदपुर में तो वहां पे जाके मेरे को हिंदी सीखना पड़ा इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी आता है तो उसी हिंदी से मैं अभी चला रहा हूँ आज सुबह मैं इनका घर गया था और इन्होंने मेरे से तीन वीडियो कराया हिंदी में सो टूटी फूटी मेरा हिंदी से मैं आज का सेशन करूंगा लेकिन यस थैंक यू आपके बारे में ही बात करना है मेरे को मिस्टर सुभाषीष पानी कितना अच्छा आदमी है ना बहुत मस्त ट्रेनर भी है अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा सेशन इनके सेशन के बाद आ गया अब बात इनके ऊपर ही करते हैं देख सो माय पॉइंट इज इन्होंने और सब लोगों ने यहाँ पे आके पूछा आपसे आपको ट्रेनर बनना है ना yes! बनना है ना yes! अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडर क्यों बनना है ठीक है बहुत अच्छा आंसर है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ये बहुत क्या मैं बोलूं अमूल देवी आंसर है ना सब लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अब हम नंबर्स पे आते हैं ये मैं बोल रहा हूं क्यों ट्रेडर बनना है ठीक है पैशनेट है ठीक है बहुत अच्छा आंसर है क्या सेल्फ मेड बहुत सही सेल्फ मेड बनना है उनको ठीक है So, trader बनना है for variety of reasons. But let's come to the base of it. Trader क्यों बनना है? पैसा कमाने के लिए, right? Yes, sir. Self-made कैसे बनोगे? पैसा कमा के बनोगे? Financial freedom कैसे पाओगे? पैसा बना के बनोगे ना? So, at the end of the day, trading के through आपको पैसा बनाना है. Then the question comes down to, how much money you want to make from trading? है नहीं? कितना पैसा कमाना चाहते हो आप trading से? क्योंकि अभी सुभाषीष इधर आके ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दिखाया है उनके ट्रेडिंग स्टाइल भी हम जानते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं कि उसका आरओआई का परसेंटेज बहुत बड़ा है राइट हाई आरओआई ट्रेडर्स होते हैं ये हाई आरओआई ट्रेडर्स को देख के हमें बहुत जोश आ जाता है राइट दैट इज वेयर वी गेट द किक ऑफ इट ओके ट्रेडिंग आई वांट टू बिकम अ ट्रेडर बिकॉज़ आई वांट टू बिकम सो रिच आई वांट टू बाय ऑल द ग्रेट कार्स आउट देयर आई वांट टू मेक एन अमेजिंग लाइफ आउट ऑफ इट राइट सो लेट्स से High ROI traders on one hand, ठीक है? Yes, oh yeah, amazing. High ROI traders, ये high ROI return on investment traders को देखके पूरा mood आ जाते हैं, उनको follow भी करते हैं, right? फिर अगर आप Twitter पे जाओगे और बहुत और भी जगहों पे जाओगे, then you can see traders who say that making 4% ROI in a month is good enough. देखा है कि नहीं देखा है? Yes. देखा है? ठीक है, बहुत सही. तो 4% ROI क्या होता है? Yearly 40 to 50% ROI होता है। तो ये क्या है? Low ROI percentage traders है। इनका क्या है? इनका कोई glamour नहीं है। Correct? इनको देख के किसी को trader बनना भी नहीं है। लेकिन ये भी एक trading होता है। 40 to 50% ROI a year वाला trading। अब मेरा question है, again, क्यों करना है trading? ये बनने के लिए और ये बनने के लिए। देखा, आपके पास answer नहीं है। और दिस इज द प्रॉब्लम आई वांट टू एड्रेस टुडे इज दिस क्लियर व्हेन यू कम इनटू ट्रेडिंग इट इज नॉट इवन क्लियर टू यू आपको चाहिए क्या एंड व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट यू वांट हाउ डू यू रीच देयर सही ना यस
सबको थोड़ा बहुत आइडिया पैसा बनाना है, लेकिन कितना पैसा बनाना है किसी ने कैलकुलेट किया ही नहीं. सो आई वुड से द पर्पस ऑफ लाइफ इटसेल्फ इज टू बी हैप्पी, है ना. जिंदगी जी क्यों रहे हो? टू बी हैप्पी. सो हैप्पी होने के लिए कितना पैसा चाहिए वो आपको निकालना चाहिए. उस पैसा which is the easiest way to make that money, that is the way you should choose. Is this clear? Yes. To become happy in life, how much money do you need? And what is the easiest way to reach there? Isn't that the best way to do, best thing to do in life? Is this super clear? Yes. This doesn't even apply to trading. ये बस trading के लिए नहीं है. आपको अगर कोई career path choose करना है, कोई job का path choose करना है, कोई business शुरू करना है, कौन सा business आप शुरू करोगे? The business which gives you money, which makes you happy, and which is the easiest to do, right? Yes, sir. Correct. So this is what I'm saying. So my whole point, मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ. उसका point भी नहीं है. मेरे को बस ये clear कर. क्योंकि मैं बहुत जगह पे जाता हूँ बात करने. दिल्ली कभी आए नहीं. पहली बार दिल्ली आ रहा हूँ. जहाँ भी जाता हूँ. जितने भी ट्रेडिंग एस्पिरेंट्स को मैं देखता हूँ ना, सबको सीखना है, सबको ट्रेडर बनना है, सबको ट्रेड करना है. लेकिन किसी को नहीं मालूम है, किसी को क्लैरिटी नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, कितना पैसा बनाना है, क्या ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करना है और कहां पहुंचना है. तो उसके बारे में आप सोचना शुरू करो, उतना ही मेरे को बोलना है. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है. आपको अभी आपको ट्रेडर नहीं बनना है, आप सबको से बिजनेस शुरू करना है. आपके सामने टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल है. एक बिजनेस है कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको मालूम नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा. अगर वो चल गया तो आपको बहुत पैसा आ जाएगा. वो एक एग्जाम्पल आपके पास है और ऑप्शन आपके पास है. और दूसरा एक ऑप्शन बिजनेस आपके पास है, वो आप शुरू भी कर सकते हो, बहुत आसानी से चला भी सकते हो. उसमें से 1,00,000 रुपए महीने के आएगा ही आएगा. वो 1,00,000 से आपका पूरा फैमिली का एक्सपेंसेस भी जाएगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाएगा. कौन सा रूट आप चूज करोगे? सेकेंड वन. आई एम नॉट सेइंग कि आपका आंसर सेकेंड ही होना चाहिए. मैं बोल रहा हूं ट्रेडिंग इज हाईली सब्जेक्टिव. कि अगर किसी का आंसर सेकंड रूट है, दे कैन गो फॉर अ लो आरओआई सेफ इजी ट्रेडिंग स्टाइल. अगर किसी का आंसर नंबर वन है, हो सकता है समवन लाइक्स टू टेक रिस्क्स, समवन वांट्स टू गो फॉर हाई रिटर्न्स. अगर किसी का आंसर नंबर वन था, दे कैन गो फॉर अ हाई आरओआई, हाई रिस्की, हाई रिटर्न ट्रेडिंग स्टाइल. इज दिस क्लियर? और मेरा आस्क इतना ही है कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट दिस. Right, it's really good to see other traders making money, but trading ऐसा एक चीज़ है कि ये बहुत ही personal, subjective चीज़ है, right? Why do people get into trading? To make money, no? And why do people make money? To make their life better. अब for some reason India में trading एक competitive sport बन गया, right? सबको दूसरे से ज्यादा पैसा कमाना है. ट्विटर में कल किसी ने 50,00,000 का पीएनएल डाला, मेरे को उससे भी ज्यादा डालना है, उससे भी ज्यादा बनाना है. आप ट्रेडिंग में इसीलिए नहीं आया टू मेक मोर मनी देन समवन एल्स. आप ट्रेडिंग में और यू शुड कम इनटू ट्रेडिंग टू मेक मनी विच विल मेक योर लाइफ बेटर. और आपका लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपका फ्यूचर गोल्स, एंबिशन सब आप जानते हो. सो आपका लड़ाई, आपका कॉम्पिटिशन इट्स ओनली विद यू, राइट. सो इफ यू नो हु यू आर, हाउ मच यू वॉन्ट टू मेक, देन यू कैन ईजिली सेलेक्ट the trading style you need to make. And when you do that, you'll make the money which will make you happy. And when you do that, you're happy at the end of the day. So when you try bolna hai, very simple. Let's do an exercise now, but again, abhi exercise karke koi fayda nahi hai. I know it's all momentary. Ab kuch aur suna pehle, abhi kuch aur sun raha hu. But I want you to take some time up after going home. I want you to sit down and think about this, right? You have an easier route where you can make easy money via some trading styles which is kind of easy and which is low ROI, or else you can go for a very risky road. So you have to sit down, you have to think about it, you have to introspect. So that's why I asked for you. So as of now, how many of you want to go for a high ROI, amazing high return trading style? All the best to all of you. And how many want to go with a low ROI, safe trading style, making 1% a week, 4% a month, 48% a year? क्योंकि ना मेरे को ये बात करना था, ये जो 1% प्रॉफिट आपको एक वीक में बनाना है, ताकि एक मंथ में 4% प्रॉफिट बन जाएगा, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर 50% प्रॉफिट बन जाएगा, राइट. ये मैं बोल के गया था.
मैं पूछा भी था कौन कौन ये करने में इंटरेस्टेड है, किसी किसी ने हाथ उठाया भी था। सो अभी मैं वो स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जिसे आप ये कर सकता है। तो मेरे को लगा कि जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर हुआ है फिर इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन शेयर कर ही देते हैं। राइट, एक्साइटेड फॉर द स्ट्रैटेजी? यस। तो मैं एक चीज पहले बोल देता हूँ कि ये बहुत सिंपल है, बहुत बोरिंग भी है, ज्यादा कुछ काम करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। तो बहुत ही बोरिंग निफ्टी वीकली पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, निफ्टी में करेंगे, पोजिशनल है, इंट्राडे नहीं है, और वीकली एक्सपायरी पे हम करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, ट्यूसडे को एंटर करना है, थर्सडे एक्सपायरी तक होल्ड करना है, तब एक्सिट करना है, बस उतना ही करना है। यही चीज मेरा ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है, ये जो मैं मेरा मेन अकाउंट में मैं करता हूं, करता था, अभी और भी स्ट्रैटेजीज करता हूं। तो ये इससे मैं लास्ट कितना 3-4 years में जितना भी नोट बैड पैसा जो मैंने बनाया इससे ही बनाया। अभी लास्ट ईयर का जो मैं पीएनएल है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं पीएनएल का पीएनएल जो ईयरली पीएनएल क्वार्टरली पीएनएल सब दिखाता रहता हूं। सो लास्ट ईयर इसी स्ट्रैटेजी यूज करके ईयरली 50% आरओआई बना था, एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी अभी रिवील हो रहा है। राइट, अभी इसका बात करते हैं। आई थिंक इट्स ऑलरेडी हियर, मेक 50% रिटर्न से ईयर विद वीकली इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग। राइट, वेरी इजी है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करना है और स्ट्रैंगल्स नहीं आयरन कॉन्डोर्स बेचना है और स्टॉप लॉसेस है और एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। सो बात यहाँ पे किया गया था 1:5, 1:4 का, ये एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें क्या कैच है कि इसका 80-85% विन रेट है। राइट, 80% आप जीतोगे और जब जीतोगे 1 मल्टीप्लायर में यू विल मेक मनी, एंड व्हेन यू लूज द अदर 20 टाइम्स यू विल लूज 1 मल्टीप्लायर में। राइट, सो दैट्स व्हाट वी डू हियर। सो कमिंग डाउन एग्जैक्टली डायरेक्टली सेट स्ट्रेटजी पे आते हैं। राइट, सो स्ट्रेटजी बहुत आसान है, व्हिच इज सेलिंग डीप आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस। आसान है, इसमें क्या रखा है? राइट, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बेचना है, लाइक एज यू कैन सी हियर ओनली वीकली एक्सपायरी, इक्वल लॉट्स करना है, इक्वल लॉट्स ऑफ कॉल और पुट करना है, निफ्टी में ही करना है, कॉल और पुट्स दोनों को बेचना है। उसमें से क्या समझ में आया? ये डायरेक्शनलेस स्ट्रेटजी है कि ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है? डायरेक्शनलेस स्ट्रेटजी है। सो इसमें क्या है कि हम टेक्निकल्स को देखते ही नहीं है स्ट्रेटजी में, वी डोंट लुक इनटू एनी इंडिकेटर्स, वी डोंट लुक इनटू प्राइस एक्शन इवन, इट इज अ प्योर क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, क्वांट्स पे काम करता है, मैथमेटिक्स पे काम करता है, स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है। तो मैथमेटिकल एज स्ट्रैटेजी और यू आर गोइंग टू मेक मनी विद दैट स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एज, वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दोनों कॉल और पुट्स को बेचना है, और व्हेन यू सेल कॉल एंड पुट यू ऑल्सो बाई कॉल्स एंड पुट्स। व्हाट इज दैट? क्या है, क्या कहते हैं उसको? हेजिंग। ठीक है, ठीक है, हेज करेंगे ही। दैट्स हाउ अ ट्रायंगल इज बिकमिंग एन आयरन कॉन्डोर। कूल, that's what we do. Moving down. अभी आपको क्या समझ में आया? कुछ तो आयरन कॉन्डोर का स्ट्रेटजी है, कॉल पुट सेल करना है, इसके ऊपर का कॉल बाय करना है, नीचे का पुट बाय करना है। राइट, ठीक है, उतना समझ में आ गया। कमिंग डाउन, ये कब करना है? अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट ऑप्शन सेलिंग और व्हाटएवर ट्रेडिंग, स्ट्राइक सिलेक्शन, कौन सा स्ट्राइक ट्रेड करना है? राइट, व्हाट टू ट्रेड, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू ट्रेड। अभी इसके बात करते हैं द स्ट्राइक सिलेक्शन। अभी क्वेश्चन ये है कि विच स्ट्राइक टू सेल। राइट, यही समझ में आ रहा है ना? मैंने बोला एंट्री करना है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे सुबह हो गया, मार्केट खुल गया 9:30, 9:45 हो गया, आपको माइंड में क्या क्वेश्चन है? कौन सा स्ट्राइक सेल करना है? इसका आंसर बहुत आसान है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं देखना है, कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना है, आप अपने आप से पूछो वेयर विल निफ्टी नॉट गो टू बाय एक्सपायरी। सो क्वेश्चन ये है कि ऊपर कहां तक निफ्टी नहीं जाएगा? राइट, यू आस्क योरसेल्फ हाउ मच अप विल निफ्टी नॉट गो टू बाय एक्सपायरी। अभी निफ्टी कहाँ पे है? टुडे लेट्स डू दिस एक्सरसाइज, नो टुडे इज अ सैटरडे, संडे 17531 टू बी प्रिसाइज। आप बताओ ऊपर तक कहाँ नहीं जाएगा निफ्टी? 18500। ऑल ऑफ यू हैव आंसर्स, सो दैट इज योर स्ट्राइक टू सेल, ऊपर का कॉल का। ओके, सिंपल आंसर, आई विल गेट इनटू मोर डिटेल्स एज टू टेल यू हाउ टू मेक मनी विद दिस, आई विल गेट इनटू दैट। जस्ट लाइक दैट, व्हिच पुट स्ट्राइक टू सेल, How much down will Nifty not go to by expiry? ठीक है, जो भी आपका आंसर है। तो नीचे कहां तक नहीं जाएगा वहां का पुट सेल कर दो। Cool? Basic idea. This is how out of the money options and that going to zero by expiry will make you छोटा-छोटा profits. Cool.
ठीक है, नाउ विच स्ट्राइक टू बाई? मैंने बोला था कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, ऊपर कॉल बाई करना है, नीचे पुट बाई करना है, कौन सा बाई करना है? थंब रूल देता हूं 150 या 200 पॉइंट्स का बाहर का बाई कर दो, ठीक है? अभी क्यों बाई कर रहा है? सो यू ऑल सेड कि वी आर गोइंग टू हेज आवर पोजीशन, वी आर नॉट गोइंग टू हेज आवर पोजीशन. अभी इतना दूर का है कि इट्स नॉट लाइक कि सम ब्लैक स्वैन इवेंट इज गोइंग टू पुट अस इन ट्रबल. वी आर बाइंग फॉर मार्जिन बेनिफिट्स, और मार्जिन बेनिफिट क्या देते हैं हमको? हाइयर रिटर्न्स, हाइयर रिटर्न्स. हेजेस बहुत लोग ऐसे, मैं बड़े बड़े इवेंट्स पे जाता हूं, आई सी पीपल गोइंग ऑन टू द स्टेज एंड स्पीकिंग एंड दे टेल कि यू बाय अ हेज, इट विल हेज योर पोजीशन एंड बट योर प्रॉफिट्स माइट रिड्यूस अ बिट. डज योर प्रॉफिट रिड्यूस और डज योर प्रॉफिट गो अप व्हेन यू बाय बाय अ हेज? इट विल गो अप, योर आरओआई परसेंटेज विल गो अप. Percentage returns in a trade always go up when you buy a hedge and lose money there. You can actually get into numbers, look a bit into that, and you can actually find it out. ROI percentage goes up always every single time when you buy a hedge. ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके. ठीक है, तो अभी strike selection थोड़ा बहुत हो रहा है. अभी इसमें मेरे को थोड़ा सा add ये करना है कि अगर आप Tuesday या Wednesday को enter कर रहे हो, strike selection के साथ एक और चीज आप add कर दो. ऐसा स्ट्राइक सेलेक्ट करो ताकि आपको 1% आरओआई मिले. ये कैसे ढूंढोगे आप? हाउ विल यू फाइंड द स्ट्राइक प्राइसेस टू सेल सो दैट द ट्रेड दैट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू हैज एन आरओआई ऑफ 1%? प्रीमियम. कोई टूल जानते हो आप? ऑस्ट्रा. व्हाट इज ऑस्ट्रा? स्ट्रैटेजी बिल्डर है. ठीक है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी बिल्डर्स अवेलेबल है मार्केट में. अब कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज कर लो, यू कैन यूज एनी स्ट्रैटेजी बिल्डर. सो वी हैव एन इन हाउस स्ट्रैटेजी बिल्डर बिल्ड. सो इसमें जाना है आपको, कॉल सेल करके देखना है, पुट सेल करना है, 200 पॉइंट ऊपर का कॉल बाई और नीचे का पुट बाई करना है, और उसके बाद आपको देखना है 1% का ट्रेड कहां पे मिल रहा है. इतना तो कर सकता है, और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना. डोंट लुक इनटू एनीथिंग एल्स, जस्ट डू दिस. अगर इफ यू कैन put in more of your analysis, technical analysis, aur dimag laga ke aur analysis hai, then you can make even 70-80-90% ROI with this method. Theek hai? Without thinking anything, I'm going to give you just a mathematical, statistical thing which will work, which will make you 30-50% ROI every single year. Kuch nahi sochna hai, market dekhna bhi nahi hai. Pura mathematics ka khel hai. Ready hai? Yes. Pura mathematics, aur kuch hai hi nahi isme. Theek hai, cool. Abhi kya hai? Ek hi rule hai, 1% ka trade dekhna hai. कॉल साइड का मतलब क्या है? कॉल सेल और पुट, कॉल बाय. पुट साइड का मतलब क्या है? पुट सेल और पुट बाय. दोनों साइड से सिमिलर प्रीमियम डिफरेंस आना चाहिए. ठीक है, सिमिलर. आयरन गोल्ड और में हमारा प्रॉफिट क्या है? सेल इज इट द प्रीमियम दैट वी सोल्ड? नो, इट इज द प्रीमियम डिफरेंस. सेल का प्रीमियम माइनस बाय का प्रीमियम इज आवर प्रॉफिट. ठीक है, दोनों साइड का प्रीमियम डिफरेंस सिमिलर होना चाहिए. ऐसा ट्रेड ढूंढना है विच गिव्स 1%. ठीक है, cool, that's fine, no? So coming down, let's find. So अभी Friday को market बंद हुआ था. 4 days next to expiry, Nifty is at 17,530. मैं बोल रहा हूँ ऊपर का, let's say Nifty wouldn't go above 18,250. सही है, ठीक है? Yes. Nifty wouldn't go above 18,250 this week by expiry, 4 days left to expiry. Yes. सही है, everybody? Yes. ठीक है. और उसके साथ अभी क्या करेंगे? एक हेज लेना है, 200 points away we'll take a हेड जेट 18,450. ठीक है, ओके. अब नीचे का साइड देख लेते हैं. वी आर मूविंग डाउन. नीचे मैं कह रहा हूं निफ्टी विल नॉट गो डाउन टिल 16,800. अग्रीज विद मी? बाय द एक्सपायरी, 4 डेज लेफ्ट एक्सपायरी, 700 पॉइंट्स बिलो 16,800. नाउ वी विल टेक अ हेज आल्सो एट 16,600. जा सकता है, ठीक है, जाने दो. वी हैव अ स्टॉप लॉस, मैं बताऊंगा. स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, ओके. सो वी आर एडिंग टू बास्केट. ओके, ये लोड हो रहा है. या क्या दिख रहा है आपको? 47,000 कैपिटल लगेगा इसमें. कितने परसेंट आरओआई का ट्रेड है ये? 1.09% आरओआई का ट्रेड है. ऊपर 18,250 तक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, नीचे 16,800 तक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, पैसा बच जाएगा दूसरे तक. चाहे आप ब्रोकरेज जाएंगे, यही तो प्रॉब्लम है ना. अभी आप देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट 515 गया ना मूड. आप पूरा मेहनत किया, 50,000 रुपए लगाया, आ गया बस 500 रुपया, उसमें ब्रोकरेज आएगा और बाकी दुनिया भर का चार्जेस आएगा, बचेगा 350 रुपीज.
350 rupees को मजदूर को भी मिल रहा है ना. दिस इज एग्जैक्टली वेयर ट्रेडर्स, अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हु डू नॉट नो व्हाट दे वांट फील. अगर आपको मालूम है आपको कैपिटल क्या है, आपका चाहत क्या है, आई होप द वर्ड चाहत इज राइट, राइट, आपका चाहत क्या है मार्केट से, देन यू कैन वर्क इट आउट. अभी ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि सबके लिए है. दिस इज फॉर पीपल हु हैव व्हाट से 2-3 लाख 4-5 लाख कैपिटल है. स्मॉल अमाउंट बनेगा लेकिन बनेगा पैसा, राइट. दिस इज सेफ मनी, बोरिंग मनी, पैसिव मनी. आपको ट्रेडिंग का किक नहीं मिलेगा इससे. आपको ऐसा बोलने में भी शर्म आएगा मैं ट्रेडर हूं क्योंकि आप कर रहे ये कर रहे हैं, ये होता है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड बिफोर. ट्रेडिंग एक्साइटिंग होना, ग्लैमरस होना जरूरी नहीं है. मैं ट्रेड करता हूं 2 करोड़ मनी का ऊपर का कैपिटल से, इसमें से बन रहा मेरा 2 लाख पर वीक, सही है ना, 8 लाख पर मंथ बन रहा. आई एम लिविंग ए हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, सही है ना. प्लेजिंग करके भी कर सकते हो. अभी मैं ये बताता हूँ, कोई और बता रहा था यहाँ पे मनी अट्रैक्ट्स यू व्हेन यू हैव स्किल, राइट. अभी बात ये है कि अगर इफ यू कैन डू दिस विद 1 लाख रुपीस आप कर लो, 1 लाख रुपए तो होगा ही, कहीं से अरेंज कर ही सकता है, 1 लाख रुपए से ये आप करो. यू डू दिस फॉर 6 मंथ्स, आसानी से 6 महीने का आपका PNL स्टेटमेंट बन जाएगा. 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली मेकिंग 4% या फिर 1 साल करो आप, बोरिंग है. साथ में आप कोई तोड़ू फोड़ू स्ट्रैटेजी आप ट्राई करते रहो, साथ में 1 लाख का ये करते रहो करते रहो करते रहो. After 1 year, what will you have? You will have a P&L statement which made 50% जा रहा है year. होगा नहीं होगा? 1 लाख से किया 50,000 बना बना नहीं बना. What will build that for you? Credibility. आप ऐसे देखो पैसा ऐसे आएगा आपके पास. People will line लगा देगा आपको पैसा देने के लिए. Capital, please trade for us करके होगा. So making 50% आपके पास पैसा है. उस पैसा का 50% 1 साल बनाना is a humongous Herculean task. Right or wrong? Yes, sir. You go to anyone, any place in the world, you know you have a skill with which you are making 50%, half of that money as returns every single year with very less risk. Amazing skill, no? So, my point is that if you are 515 rupees, dekhe, maza nahi aa raha, right? If you are not feeling hyped about it, what you can do is you can see this as just mastering a skill. Paisa banane ke liye ye mat karo. ये करो ओनली टू मास्टर अ स्किल विथ विच यू कैन कंसिस्टेंटली मेक प्रॉफिट. जब वो स्किल मास्टर हो जाएगा देन मनी विल कम. कोई टेंशन नहीं लेना, राइट. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से नो, आई मीन इफ यू आर अ गुड ट्रेडर देन मनी विल फाइंड यू. सो कोई बड़ा बात नहीं. यू कीप नेटवर्किंग, यू कीप मीटिंग पीपल, यू विल हैव ह्यूज फन टू ट्रेड विथ. ठीक है, अभी इसके ऊपर और भी आगे जाना है ना. अभी हम एंट्री ही देखा है. जैसे अभिषेक जी ने सही कहा था, एंट्री बहुत आसान है. एंट्री कोई भी कर सकता है ना. एंट्री में क्या ही, अभी जैसे मैंने बोला था ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट खोलने का वेट करना है, खोलना है, फिर एक कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर में आना है, 1% का ट्रेड निकालना है, उसमें से सिमिलर प्रीमियम डिफरेंस होना है कॉल और पुट साइड में. कोई भी ये कर सकता है. अभी आगे मैं बताने जा रहा हूं उसमें पूरा खेल है. ठीक है, अभी बात करते हैं इसका एक्सिट का या फिर SL का बात करते हैं. ठीक है, आता हूं मैं नीचे. ठीक है, ये हमारा पे ऑफ चार्ट ऐसा रहेगा, करेक्ट, बहुत आसान, कूल, ज्यादा कुछ बात नहीं करने का इसमें. अब बात करते हैं एंट्री ट्यूसडे. अब बात करते हैं एक्सिट. एक्सिट हम अभी लॉस जब होंगे उस पर फोकस करते हैं. ठीक है, आई एम कमिंग बैक इनटू द स्ट्रैटेजी बिल्डर. जब आपको लॉस होगा, आपको लॉस कहीं पे तो कट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू लुक इनटू इट, मैक्सिमम लॉस इज व्हाट, 9,845 रुपीज. वो कितना हुआ परसेंटेज में? 20% ऑफ द कैपिटल वाइप आउट हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ स्टॉप लॉस ऑन दिस. स्टॉप लॉस कहां रखोगे आप? मैं बोल रहा हूं स्टॉप लॉस रखो आपका PNL के ऊपर, क्योंकि आप इस ट्रेड में एंटर किया, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे को मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरे को मेरा कैपिटल का 1% चाहिए, जो भी आपके कैपिटल हो. ठीक है, मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं. फॉर मी ट्रेडिंग इज प्योर बिजनेस. ठीक है, मेरे को I don't think there is any other business which gives returns like this without any kind of tension like trading. Say you start a franchise, okay? 10 lakh rupay dekhe, bahut log abhi franchise khol raha hai, kuch bhi retail store khol raha hai, retail outlet khol raha hai. Lekin 10 lakh rupay agar aap daloge, wahan pe aapko itna hi zyada tension hai, headache hai, employees ko dekhna hai, stock aaya nahi aaya, inventory khatam hua nahi hua, log store mein aa rahe nahi aa rahe, marketing kiya nahi, ki itna zyada tension hai, uske baad mein kya hota hai? 10 लाख में बिजनेस शुरू किया तो 1-2 साल में बंद होना ही होना है, राइट. दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू ट्रेड विद 10 लाख रुपीज, यू मेक
with this strategy 30, 40, 50,000 rupees a month without any tension attached to running a business. Right? That is the beauty I appreciate. ठीक है अभी मैं आ रहा हूं अभी मैं इस ट्रेड में एंटर करूंगा थिंकिंग दैट ओके दिस इज अ बिजनेस विच विल गिव मी 1% आरओआई. ठीक है अभी इसमें मैं क्या सोचूंगा इस ट्रेड में मैं कितना वो हाउ मच कैन आई अफोर्ड टू लूज एज वो भी मैं सोचूंगा. अभी मैंने क्या बोला था मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1. ठीक है इफ आई एम एंटरिंग इनटू दिस ट्रेड सुपर इजी ट्रेड सेफ ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी और नॉट 80-50 16-800 high probability trade. So if I'm going to make 1%, I can risk till 1%. ठीक है, okay. उतना तो मैं risk करूँगा. अभी तो बनेगा ना पैसा, easy money. ठीक है. So I'm going to risk 1% for making this 1%. So how can we risk 1%? Hear me, hear this out very clearly. Call side और put side में, दोनों sides में अलग-अलग sells हैं. जब call side का loss उस साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट का 3 times होगा उस साइड को कट कर दो. जब कॉल साइड का लॉस उस साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट का 3 times होगा तब उस साइड कट कर दो. सेम गोस विद द पुट साइड आल्सो. ठीक है अभी इफ यू लुक एट इट इट्स अ वेरी लार्ज एसएल दैट वी गिव. ठीक है आई विल टेल यू वेयर दैट एसएल वुड बी हिट. Look into the put side. आपका 16800 put sell कितने प्रीमियम पे था? 9.8. Put buy कितने पे आया? 4.8. What is the premium difference? 5. When will your SL be hit? 15 premium difference? 15 premium difference, right? That's what you're saying. No. 20. Premium difference of 20. Because 5 already you collected. On top of that 5, another 15 has to come, which is your SL. So when premium difference hits 20, then you will be losing 3 times of the max profit from that side. Okay? So if you look here, so the put sell is at 9.8, put buy is at 4.8, premium difference is 5 rupees. So when will your SL be hit? When the put sell premium goes to maybe 28 and the put buy is at 8, 28 minus 8, 20. Cut the put side. So this ये जो SL है ये आपको automatically set नहीं कर सकते. आपको alerts लगाना पड़ेगा. जो मैं करता हूँ मैं इसमें alert लगाता हूँ put sell में कुछ 18 पे 17 पे. जब वो cross करेगा तो मैं जाके terminal पे look into the terminal see what's happening. फिर मैं ये track करूँगा इसका difference क्या चल रहा क्या चल रहा. I wouldn't even look into quantity. इसका difference क्या चल रहा. इसका difference जब 20 होगा I should be cutting my put side. Cool. Just like that you can work out for the call side as well. Let's assume यहाँ का premium difference यहाँ का mean call का premium difference put का premium difference का similar होना चाहिए तभी mathematics would work here. Purely mathematical strategy. Cool. दोनों both. Cool. So far is clear. Any doubts? हाँ. Risk reward आ जाएगा बताता हूँ मैं. और कुछ doubts? buy or sell, उस साइड को कॉल साइड को कट करेंगे पहले यू एक्सिट योर सेल देन यू एक्सिट योर बाय. इन केस अगर जैसे वो 2020 का सीन होता है दैट इज लाइक बैक टू बैक इज देयर एनी वे टू एग्जिट इन दैट केस बिकॉज़ ऑफ द खुलते ही इफ यू रिमेंबर यू मीन गैप ऑफ गैप डाउन आई विल हैव टू गो बैक टू समवन एल्सस वी हियर गैप ऑफ गैप डाउन को विल डील. हां I was with a put sell. I faced with 5% loss. Lekin us, that year I had already made some 60, 65, 70%. 5% gaya to gaya. Kya hi kar sakta hai? So year I ended with 50% ROI. Theek hai? So those are risks associated with trading. Gap up, gap down ho sakta hai. Us strategy mein wo challenge hai. Koi aur strategy mein kuch aur challenge ho sakta hai. To har strategy mein koi to challenge rahega hi. Right? Main hamesha ye bolta hu ki aap gaadi leke road pe nikloge accident hone ka chances hai hai ki aap ek wednesday sham ko aap put hold karo usi wednesday ko 500 point gap up right. So you can always think in mathematical terms right. So far is clear. We discussed about when to enter the trade. We discussed about what to sell, which strike prices to sell right. Yes. Kab sell karna hai, kya sell karna hai, sell karke kya dekhna hai, sl kahan pe hai, sab discuss kiya. एसएल क्या समझ में आया? एसएल बहुत बड़ा एसएल है हमारा. एसएल लिख किया तो बहुत पैसा जाएगा इसमें. है नहीं? बहुत पैसा जाएगा. यस प्लीज. बैंगलोर आई हैव यू
saying that SL was based on both the fall and the port premium. And today, that's what I understood because your signals, please clarify your SL. Mm-hmm. That is it based on one side or both sides? Oh, absolutely. Maybe you misheard it somewhere. It's always one side. Yeah, so SLs are for the call side and put side separately. If the SL isn't on the call side, you exit only the call side. If the SL isn't on the put side, you exit only the put side. Yeah, cool. Anything else? Let's move ahead. Abhi kya samajh mein aaya? Hamara SL jo hai, wo bahut bada hai. Kyun bada rakha hai? Ye aap batao. Do reasons hai. Kyun bada SL rakha hai? Ah, hit hone ka probability kam rakho. Yeah, but if you keep a close SL, kya problem hai? Wo SL hit hoga, fir niche aayega Nifty, fir will be regression, man. Exit nahi karna tha. Aur exit nahi kiya hota to acha hi hota na. Because hamara sell jo hai 18250 mein hai. Kya pata maybe kal Nifty upar jaye. Right, Nifty might go to 17700, 17800. Exit kyun karna hai? There are two more days Nifty expiry, niche bhi aa sakta hai na. So keep your SL big enough so that chances of it hitting is very low. At the same time, keep your SL at a place so that even if it is hit, you are not losing big. सही है? SL ऐसा रखो ताकि वो hit ना हो. अगर hit हो भी जाए, ज़्यादा पैसा नहीं जाना. Right? Now you might feel like बहुत बड़ा पैसा इधर जा रहा है. Now I wouldn't go into an Excel sheet. I'll ask you simple questions here. Right? कितने percentage का trade है total? Target कितना है? ठीक है. Okay. अभी ये कॉल साइड पुट साइड हम दोनों अलग अलग देखेंगे. ठीक है, पुट साइड से टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज आरओआई मिल रहा है? 0.5%. ठीक है, पुट साइड से कॉल साइड से टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज आरओआई मिल रहा है? 0.5 मिल रहा है. ठीक है, तो एक वीक जो है इस वीक, लेट्स अज्यूम इट इज दिस वीक, कुछ नहीं हुआ मार्केट में. निफ्टी ऐसे 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 कंसोलिडेट किया, 100 200 पॉइंट्स डाउन हुआ, बूम, कुछ नहीं हुआ स्ट्रेटजी को. एट द एंड ऑफ द वीक कितना मिला? 0.5% कॉल साइड से मिला, 0.5% पुट साइड से मिला. सही है, ठीक है. नेक्स्ट वीक अगेन सेम स्ट्रेटजी, कॉल साइड से कितना परसेंटेज मिल रहा है? 0.5. पुट साइड से कितना मिल रहा है? 0.5% आरओआई. अभी उस साइड मार्केट ऐसे ऊपर गया, हमारा एसएल हिट हुआ कॉल साइड में. कॉल साइड में टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज लॉस होगा? कितना? 1.5. हु सेड 1.5? बट हु, व्हाई 1.5? 3%. हां, एसएल 3 टाइम्स मैक्स प्रॉफिट है. मैक्स प्रॉफिट उस साइड से 0.5 था, सो कितना जाएगा? 1.5 जाएगा. ठीक है, कॉल साइड में कितना गया? पुट साइड का क्या होगा? एट द एंड ऑफ द वीक पुट साइड में क्या होगा? मिलेगा ही मिलेगा उतना. कितना मिलेगा कैपिटल का? ओवरऑल वीक का कितना हुआ? टारगेट कितना था? रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ? नाउ अभी आप बताओ इसका विन रेट कितना है? 100% होगा भाई. 80% 75% 75% टाइम्स ये जीत सकता है. 75% 1% of the times 1% is profit banega, baki 25% times 1% is loss hoga. Is problem hai? Bahut boring passive, jaise maine bataya tha 30 35 40% yearly banega. Utna bhi agar aapka ban gaya na, aap India ka top ka 0.001% pe traders mein aaoge. 95% traders anyways losing money. Aap 30-40% bhi aap agar banaoge, you are at the top. With that skill, you can do amazing stuff. You can raise money, you can become a great trader. Ab isliye main har jagah jaake bolta hu, trading aasan hai, trading aasan hai. Kya aasan nahi hai? Trader banna aasan nahi hai. Is it clear? Trading aasan hai, trader banna aasan nahi hai. So traders make trading complicated. उनको लगता है कि वो, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई वो सीखना चाहिए, उन्होंने कुछ पीएनएल डाल दिया उनके पास जाके वो सीख लेते हैं. सो पीपल और रिटेल ट्रेडर्स कीप चेसिंग स्ट्रैटेजीज, कीप चेसिंग ट्रेडर्स एंड एंड अप नोवेयर. अभी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने में और टू मेक श्योर कि वो स्ट्रैटेजी काम कर रहे या नहीं कर रहा, यू हैव टू गिव इट टाइम. मिनिमम 6 मंथ्स देना चाहिए. एक आज सुभाषिश ने इतना अच्छा स्ट्रैटेजी बताया ना, मैं लिख के देता हूं यहां पे, 10-50 लोगों से ज्यादा लोग वो करके ज्यादा पैसा नहीं बनाएगा. राइट, एब्सोल्युटली बोला मैंने.
राइट, क्योंकि स्ट्रैटेजी इतना अमेजिंग होगा कोई लोग करेगा नहीं, क्योंकि वो लोग एक बार करेगा पैसा बनेगा, सेकंड टाइम भी करेगा पैसा बन गया, थर्ड फोर्थ एक टाइम में अगर पैसा नहीं बना फिर डाउट करने लगेगा, उसी दिन कोई और वीडियो डालेगा, वो साइकिल जस्ट रिपीट्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर. Absolutely. So that's one point. Yeah, please. और ये सेम काम हम नेक्स्ट वीक वाले में सेल करते हैं, इस वीक वाले में खरीदते हैं, तो डेटा में ज्यादा मिल जाएगा और हमको रेंज ज्यादा मिल जाएगी, क्या सही है? सही भी हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, रेंज बिल्कुल ज्यादा मिल जाएगा. अभी रेंज ज्यादा मिल जाएगा उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें डेल्टा बहुत ज्यादा रहेगा. क्यों? अच्छा हाँ, रेंज ज्यादा रहेगा तो डेल्टा, सेम डेल्टा में बड़ा रेंज मिल सकता है. सही है. अभी मेरा एक फंडा है मिनिमम टाइम ट्रेड पे रख, ये मेरा फंडा है, आई एम श्योर मे बी इफ यू ट्राई दैट इवन योर स्ट्रेटजी माइट वर्क. माई रूल ये है कि लाइक हाउ मच एवर मिनिमम टाइम यू कैन स्पेंड इन अ ट्रेड उतना ही रहो. बहुत आसान है गाइस, अगेन एज आई सेड, अब ये बस करके देख लो, पैसा बनेगा ही बनेगा. अब ऐसा बोलता है 100% में कुछ होता नहीं है, इसमें पैसा बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, ओनली प्रॉब्लम एक ही है, बस लोग लंबे टाइम के लिए करते नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट दैट डिसिप्लिन एंड दैट परसिवियरेंस, सबका पैसा बनेगा. थैंक यू. Everybody, can we have a huge round of applause for one and only Sean Exumptive?